एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन कुमार झा फ्रॉम सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. टुडे वील डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ये हालांकि इनिशियल स्टेज का है, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा आज के सेशन में यही डिस्कशन करेंगे कि अकाउंटिंग का वर्क एक सिस्टमेटिक वर्क सिस्टम के माध्यम से होता है. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग सिस्टम जो कहिए, बोथ आर सेम. तो अकाउंटिंग जो सिस्टम होता है वो बेसिकली सीक्वेंसेस होता है. यानी जैसे अकाउंटिंग डिफिनेशन था कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि पहले फर्स्ट टाइम हम किसी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग होता है, क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग होता है. तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है कि अकाउंटिंग का जितने भी वर्क फुलफिल किए जाते हैं उसको एक सिस्टम के माध्यम से किया जाता है. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. यानी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को तीन भागों में बांटा गया है. ऐसे तो बहुत सारे राइटर इसको चार में भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे राइटर इसको तीन भागों में डिवाइड किए हैं. तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो होता है वो सबसे पहला होता है डबल एंट्री सिस्टम, सेकेंड होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, और थर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैश सिस्टम. यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है. यानी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम. तो सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली वैसा सिस्टम होता है जिसमें किसी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एक अकाउंट्स पर भी पड़ता है, दो पर भी पड़ता है, और कहीं पर भी नहीं पड़ता है. यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर यह हुआ कि जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड एस्पेक्ट, यानी प्रत्येक लेन देन का दो पहलू होता है, ऐसा कुछ सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं कहता है. सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है कि किसी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एक अकाउंट पर भी पड़ता है, किसी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो अकाउंट पर भी पड़ता है, और किसी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किसी अकाउंट पर नहीं पड़ता है. इसका जो मेन रीज़न है ये कहता है कि कि ऑल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम. यानी जो बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं वो सभी प्रकार के अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं वो सभी प्रकार के अकाउंट को फॉलो करते हैं. तो दो डिफरेंसेस हुआ. फर्स्ट डिफरेंसेस ये हुआ कि सिंगल एंट्री सिस्टम में सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एक अकाउंट पर भी पड़ता है, दो पर भी पड़ता है, और कहीं पर भी नहीं पड़ता है. लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो अकाउंट पर पड़ेगा ही पड़ेगा. सेकंड जो है कि ये सभी प्रकार के अकाउंट को मेंटेन नहीं करता है, जस्ट लाइक जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सभी अकाउंट को मेंटेन नहीं करता है सिंगल एंट्री सिस्टम में. जबकि वेर एज अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, सभी प्रकार के अकाउंट को मेंटेन करता है. तीसरा जो डिफरेंसेस है कि सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम वो बिजनेस फॉलो करते हैं जिसका टर्नओवर बहुत कम होता है, यानी छोटा मोटा व्यापार होता है, या जिसको अकाउंट की ना के बराबर में जानकारी होती है, थोड़ा बहुत जानकारी होती है, वो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं. और जिसको अकाउंट्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी है तो वो डबल इंटरेस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं. एक और डिफरेंसेस है कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो साइंटिफिक सिस्टम है. इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं कि कोई भी बिजनेस अगर सिंगल एंट्री सिस्टम के माध्यम से बुक्स को मेंटेन किए हैं तो उसको कोर्ट के द्वारा वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो साइंटिफिक सिस्टम को फॉलो नहीं किए हैं. लेकिन जो बिजनेस डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किए हैं तो उसको कोर्ट में डेटा को वैलिड माना जाएगा, कोर्ट के द्वारा उसके डेटा को वैलिड माना जाएगा. तो ये बेसिक डिफरेंसेस है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस करते हैं. अब एक थर्ड है कैश सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे. तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंसेस है. Thank you all of you.